स्पीडी का लेटेस्ट करंट अफेयर्स अक्टूबर 2022 से 1 सितंबर 2023 तक का जो मार्केट में आ चुका है, और उसमें से निकाला गया ये वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस आप देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप के करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मौजूद हैं। लगभग इस बुक में बात की जाए तो 812 क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ हर एक करंट का डिटेल्ड एंड एलाबोरेटेड फॉर्मेट में आपको कंटेंट भी मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा अभियान का संबंध किससे है? आपके सामने ऑप्शन है नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस वाले हैं क्वेश्चंस, और करंट अफेयर्स पूरा अप टू डेट है, पूरे एक साल से ऊपर का करंट अफेयर्स है इसमें, अक्टूबर 2022 से लेके 1 सितंबर, लगभग एक साल का करंट अफेयर्स है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी जितने भी आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। तो पीएम उषा अभियान का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है, करेक्ट आंसर शिक्षा मंत्रालय होगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? आयुष्मान भारत योजना में हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शामिल किया अपने सफाई कर्मचारियों को, इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम ओरिएंटेड, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, श्रीनगर। तो इससे दो चीजें आपको निकल के आ गई, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, तो श्रीनगर में स्थित है, और इसको हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ेंगे, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये इस पे हम लोगों ने काफी सारा वीडियोस ऑलरेडी बना रखा है, शॉर्ट्स के माध्यम से भी हम लोग रेगुलर करंट अफेयर्स रेगुलर अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शॉर्ट सेक्शन में भी आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा भारत, है ना। अभी हाल ही में साउथ पोल में हम लोगों ने सबसे पहला लैंड करने वाला कंट्री हमारा भारत बना, तो इसका करेक्ट आंसर भारत हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? ये बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत निर्वाचन आयोग ने इंडियन इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली किसे, अब तो इंडिया कहना भी नहीं है, अब भारत ही कहेंगे, क्योंकि अब हमारे देश का नाम भारत हो चुका है। तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड डेट एंड फैक्ट्स भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिसका जिक्र हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि भारत नाम को लेके कई बार हमारे संविधान में, कई बार हमारे जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने कई बार चर्चा किया है, तो उसको हम लोग डेट के तौर पे देखेंगे, डेट के तौर पे जानेंगे कि भारत नाम की मांग कब कब और कैसे कैसे उठाई गई थी। ठीक है, तो भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है, मतलब भारत इलेक्शन कमीशन ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है, तो सचिन तेंदुलकर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 5 का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस उमेश सिन्हा, जस्टिस रमेश कुमार सिंह, जस्टिस दीपक कुमार मिश्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया था? विक्रम, ज्ञान गंगा, जिज्ञासा, प्रज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रज्ञान रोवर था और लैंडर का नाम विक्रम था। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में फॉर श्योर डेफिनेटली चंद्रयान 3 मिशन से क्वेश्चंस आना ही आना है। तो इससे रिलेटेड जितने भी डेट हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, उसको हम लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। तो चंद्रयान मिशन के साथ भेजे गए रोवर का नाम था प्रज्ञान और लैंडर का नाम था विक्रम। ठीक है, विक्रम लैंड हुआ था, उसमें से बाहर आया था प्रज्ञान रोवर। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट में है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? है ना, भारत कोस्ट गार्ड, यहाँ पे भारत कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इंडोनेशिया, फिलीपींस, फ्रांस या जर्मनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों फिलीपींस, इंपॉर्टेंट है,
भारत कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए फिलीपींस के साथ समझौता किया है, रिसेंट का है ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था वहां पे और थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं रेथा थाविसिल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है, जागृति महिला लीग, अस्मिता महिला लीग, किरण महिला लीग या बेटी महिला लीग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अस्मिता महिला लीग। ठीक है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग रख दिया गया है। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में शामिल किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था हमारे प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका विजिट किए थे और ये दरअसल 15वां ब्रिक्स सम्मेलन के लिए, ब्रिक्स समूह का जो 15वां सम्मेलन था उसी के लिए अभी रिसेंटली जो हम लोगों ने देखा था जब चंद्रयान सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका था तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका से हमारे साथ जुड़े थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस देश ने किया है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश ने किया है, मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया है। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं, अभी ये भी बहुत चर्चा में थे, आर प्रज्ञानंद। ठीक है, आर प्रज्ञानंद जो शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन पूछ रहा है, 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया है, 20वीं आसियान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया अभी विजिट किया इन्होंने इसी आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता, तो ये है अनाहत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया, उद्योग रत्न पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार से किसे दिया गया, रतन टाटा को दिया गया है, उनके घर जाके उन्हें दिया गया था, रतन टाटा जी को उनके घर जाके उन्हें दिया गया था। मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य गोवा। ठीक है, गोवा बना है। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं, शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है, फीफा महिला विश्व कप, पुरुष विश्व कप की बात नहीं हो रही है, महिला विश्व कप की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन, डी। ठीक है, कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है, किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है, तो थर्मन सन मुगरत्नम ने क्वालिफाई किया है थाईलैंड के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंगापुर के लिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, भारत ने खगोल विज्ञान और भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है, क्वेश्चन नंबर 22, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B2।
ठीक है, 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 73वां, 77वां, 79वां या डी 81वां। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 15 अगस्त 2023 जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने आजादी महोत्सव मनाया, तो ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस था आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX लॉन्च किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी तेलंगाना। ठीक है, सी तेलंगाना। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। हाल ही में किसने मेंस एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीता है भारत। ठीक है, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था वो कमेंट करके बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है साथियों, तो ये आपका उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, RBI के द्वारा उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है जिससे पता लगेगा किसका, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया, 4 साल के लिए बैन किया गया इस भारतीय धाविका को यानी कि रनर को हाल ही में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूती चंद। दूती चंद को बैन किया गया कितने साल के लिए, 4 सालों के लिए इन्हें बैन किया गया डोपिंग के चलते। ठीक है, डोप टेस्ट में ये पकड़ी गई थी तो इन्हें बैन किया गया। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला देश, पहला बैंक बना है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ठीक है, 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, 81वीं वर्षगांठ मनाई गई। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो मनोज तिवारी का संबंध है क्रिकेट से, है ना, हम लोगों ने देखा था कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते भी थे IPL में, तो क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसका किया गया बेंगलुरु में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा भी था, इन न्यूज भी था, काफी चर्चा में भी था, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया है, बेंगलुरु में किया गया। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं। अंडर 20 विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय है मोहित कुमार। ठीक है, विश्व चैंपियनशिप में मोहित कुमार हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया, कितने भारतीय युवाओं को नामित किया गया इस खेल के लिए, तो कुल आपके 5 भारतीयों को नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब हाई टाइड्स, हाई बारिश, ज़्यादा बारिश होती है तो उन्हें सचेत किया जाता है नाविकों, क्योंकि आप लोग आज समुद्र में मत जाइएगा क्योंकि खतरा हो सकता है। तो इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, समुद्र ऐप। ठीक है, समुद्र ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा, किनके लिए, नाविकों के लिए। ठीक है, समुद्र ऐप 34, समुद्र ऐप 35। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इंडिया स्टैक साझा करने के लिए भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 14,903 करोड़। कभी कभी इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, नंबर से रिलेटेड, तो याद रखना हमें कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को कितने रुपए के लिए, तो 14,903 करोड़ का बजट है, ये याद रखना हमें। ठीक है, 14,903 करोड़ का बजट है,
रिसेंटली पास किया गया है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा शिखर सम्मेलन कहाँ कहाँ आयोजित किया है G20 का, उसे एक बार देख लेना है। बिहार में कौन सा किया गया है, MP में, UP में, कहाँ कहाँ कौन कौन सा किया गया है। तो उसी तर्ज पे ये पूछा जा रहा है कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, द सिटी ऑफ हेरिटेज, ठीक है, महाकाल की नगरी, भोले की नगरी, वाराणसी। ग्राफीन अरोड़ा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है, ग्राफीन अरोड़ा प्रोग्राम किस मंत्रालय के साथ सहयोग से लॉन्च किया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। 39, किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है, भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने नए तारे की खोज की है, तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, ऐसा भारतीय तारा भौतिकी संस्थान इसने खोज किए नए तारे का। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर रखा गया है PM संग्रहालय और पुस्तकालय, ठीक है, किसी के नाम पे नहीं, एकदम अनबायस्ड, किसी के नाम पे नहीं, कोई नेहरू नहीं, कोई मोदी नहीं, इसका नाम रखा गया है PM संग्रहालय और पुस्तकालय, कंप्लीटली अनबायस्ड, ठीक है। अभी जो भी नाम बदला जा रहा है वो किसी भी महापुरुष के नाम पे नहीं, बल्कि किसी भी पुरुष के नाम पे नहीं, किसी भी राजनेता के नाम पे नहीं, अगर खुले शब्दों में कहा जाए तो, ये सीधे सीधे किसी को भी डेडिकेटेड नहीं है, बल्कि ये ऐसा नाम रखा जा रहा है ताकि कॉमन हो, इन जनरल हो। तो आप यहाँ पे ही देख सकते हो कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम PM संग्रहालय और पुस्तकालय रख दिया गया है, किसी का नाम तो है नहीं इसमें, तो आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए कि नाम बदल दिया। अक्सर हमारे देश में यही सवाल उठता रहता है, नाम बदल दिया। अरे नाम नहीं बदला गया, जो नाम था उसी नाम को फिर से रख दिया गया है, बदला कुछ नहीं गया है। 43, राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है, 76, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाला भारतीय मिशन का नाम क्या है, अभी हम लोगों ने देखा रिसेंटली चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद इसरो रुका नहीं, बल्कि इसरो ने तो कैलेंडर लॉन्च कर दिया पूरे एक साल का कि हमें क्या क्या करना है आगे, तो उसी तर्ज पे सूरज के गहन अध्ययन के लिए जो सन की जो विंड्स जो चलती है, स्टॉर्म विंड्स जो चलती है, उसके अध्ययन के लिए और सूरज के अध्ययन के लिए ये आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है, जो कि सूरज का गहन अध्ययन करेगा, सूरज के थोड़ा करीब जाके, ठीक है, पृथ्वी से थोड़ा दूर, सूरज से थोड़ा दूर, मतलब दोनों के बीच में रह के ये गहन अध्ययन करेगा सूरज के बारे में, सूरज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किसने जीता है, क्वेश्चन नंबर 45 है, एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किसने जीता, अभी रिसेंटली हम लोग ने देखा भारत ने जीता है, ठीक है, करेक्ट आंसर भारत हो जाएगा। किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के का लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, कौन है भाई, तो तिलक वर्मा। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, अभी रिसेंटली हुआ है, अनवारुल हक काकड़, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, बुनियादी बेसिक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा उल्लास योजना को लॉन्च किया गया है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है, पहली भारतीय मूल की, पहली बार हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
निशा बिश्वाल, ठीक है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? निशा बिश्वाल। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? ये कौन है भाई, केंद्र को इसने एक प्रस्ताव पारित करके आग्रह किया है कि उसके राज्य का नाम बदल दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 51 है। अब स्टेट्स भी आग्रह कर रहे हैं सेंटर से कि उनका नाम बदल दिया जाए। यह है केरल, ठीक है, केरल को अब अपना नाम बदलवाना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है? यूपीआई लाइट के लिए, ठीक है, यूपीआई लाइट के लिए कितना कर दिया गया है? 500, ठीक है। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर एआई का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जियो हैप्टिक को। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? एलओसी के पास जम्मू कश्मीर में किया गया है, ये कुपवाड़ा में, कुपवाड़ा में किया गया है पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन, ठीक है। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के राजौड़ी चिकड़ी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग? ये जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछ ही दिया जाता है, है ना। बिहार से भी किस किस को जीआई टैग मिला, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के राजौड़ी चिकड़ी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य या यूनियन टेरिटरी को किया गया? ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, असम, उड़ीसा, दिल्ली। तो नाम से तो लग रहा है कि जम्मू कश्मीर ही होगा, और हाँ जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर है। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत का रैंक है 6वां। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? देश के शहीद वीर जवानों के लिए कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया? यह है मेरी माटी मेरा देश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता का विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया है? समान नागरिक संहिता के लिए एक विरोध प्रस्ताव पारित किया गया है, यह है आपका केरल, ठीक है। T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं आपके तिलक वर्मा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीट पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो इसका टाइटल है हल्ला बोल, ठीक है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम है हल्ला बोल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमोद भगत और सुकांत कदम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रांडेड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.39 लाख करोड़। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है? तो किसकी कर दी गई भाई, जिसका सस्पेंड किया गया था अभी रिसेंटली, थे राहुल गांधी जी, ठीक है। मोदी सर नेम के लिए जो आपका चला था, उसके बाद राहुल गांधी का सदस्यता रद्द कर दिया गया था, जिसको फिर से बहाल कर दिया गया है। तो खुशी की लहर है, खुशी की खबर है राहुल गांधी के लिए। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रार्थना थुम्बाड़े, ठीक है। आगे बढ़ते, ये नाम आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स से 2-3 क्वेश्चंस तो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, अगर करंट अफेयर्स में पूछा जाए तो। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अदिति स्वामी। तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है अदिति स्वामी। तो आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे हैं, सभी को देख लिया जाएगा अभी यहाँ पे, और सारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा तो आपके लिए ही फ्रूटफुल होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा? बिहार में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा, वो हमने अपने शॉर्ट वीडियो में भी बात किया हुआ है, हम लोगों ने अपने शॉर्ट्स में भी उसको अपलोड कर रखा है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टोटल कुल की बात हो रही है, कि अमृत भारत स्टेशन योजना में
देश भर में कुल कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, और इसमें मॉडर्नाइजेशन में जैसे कि आपको प्लेटफॉर्म्स में वो सारी सुविधाएं बहाल की जाएगी, वेटिंग रूम अच्छे होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें करना है, करवाना है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 508। ठीक है, बिहार के भी कई सारे स्टेशनों को इसमें चुना गया है, तो वो हमने शॉर्ट वीडियो में बता रखा है, उसको आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। भारत के नंबर वन शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? भारत के नंबर वन शतरंज खिलाड़ी भैया बन गए हैं आपके गुकेश डी। ठीक है, गुकेश डी। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? स्टडी इन इंडिया पोर्टल, ठीक है, स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो ये है आपके एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान, दोनों ने मिलकर किया है, एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान, स्टडी इन इंडिया पोर्टल। देखो एस जयशंकर कौन है? एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं, धर्मेंद्र प्रधान कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और आपको यहाँ पे नाम से लग रहा होगा स्टडी इन इंडिया पोर्टल, मतलब जो लोग बाहर जाके पढ़ रहे हैं उनके लिए ये पूरा लॉन्च किया गया है, ये योजना, ये स्कीम, ये पोर्टल, कि आप लोग इंडिया में ही पढ़ो, आप लोग भारत में ही पढ़ो। तो जाहिर सी बात है कि जब पढ़ने पढ़ाने की बात हो रही तो धर्मेंद्र प्रधान, और भारत के बाहर और भारत के लिए बात हो रही है तो एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से इसको, इस पोर्टल को लॉन्च किया है। मोबाइल एप्लीकेशन राज भार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मोबाइल पोर्टल राज भार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NHAI के द्वारा, NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रैकिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? ठीक है, कितने को मंजूरी दी है? तो 63 लोगों को मंजूरी दी है। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। दूर संचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? दूर संचार क्षेत्र के में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी डॉट। ठीक है, सी डॉट के साथ समझौता किया है। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? ये पुराना क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आयरलैंड का दौरा काफी पुराना हो गया, वो जसप्रीत बुमराह थे। भारत की अध्यक्षता में G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? मैंने आपको पहले कहा कि G20 के जितने भी सम्मेलन जहां जहां जिस जिस शहर में किए जा रहे हैं उसको एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत की अध्यक्षता में G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, यहां पर पूछा जा रहा है, तो ये आपका गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर शहर में किया जा रहा है। हाल ही में किस फॉर्मूला वन खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स का टाइटल लगातार जीता है, आठवीं बार जीता है? ठीक है, लगातार आठवीं बार जीता है। कौन है? सर्जिए पेरेज, चार्ल्स लेक्चर, मैक्स वेरस्टेपेन या डेनियल रेडियाडो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टेपेन। ठीक है, इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C-56 रॉकेट के साथ लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कमर्शियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कमर्शियल फील्ड में रॉकेट लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, और इसमें टोटल C-56 रॉकेट के साथ 7 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। भारत की G20, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत Think 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? Think 20, ठीक है, Think 20 का आयोजन कहाँ का किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मैसूर में। Think 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है कहाँ? मैसूर में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु है, बेंगलुरु। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है?
वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा 6.1%। किस भारतीय अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, निशा बिस्वाल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? श्रीलंका एथलेटिक्स में भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है उत्तम सिंह को। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया? ये अभी वर्ल्ड अफेयर्स में बहुत चर्चा में रहा था और पूरे मीडिया की नज़र इसी पर टिकी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 85 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा नाइजर। ठीक है, नाइजर में तख्ता पलट करके राष्ट्रपति को ही पद से हटा दिया गया। सेना के पास इतना पावर है कि वो चढ़ाई करके राष्ट्रपति को ही तख्ता पलट कर सकता है। हेली समिट 2023 और आरसीएस उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह किया गया है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में यह किया गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? पहली बार हुआ है कि T20 इतिहास में किसी ने 7 विकेट लिया हो, तो ये है आपके सयाजरुल एजाद इदरिस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वो है रविचंद्रन अश्विन। पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया है? तो हो जाएगा हीरासर, हीरासर में किया गया है ये ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 21 टोटल ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों के लिए मंजूरी मिली है। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारत ने गोल्ड मेडल जीता है? तो वो है गौरांशी। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? लिंग परिवर्तन नहीं कराना है, ट्रांसजेंडर विवाह नहीं करना, ये है रूस। ठीक है, रशिया। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता? कोरिया ओपन के बारे में बात हो रही है, इसमें जीता सात्विक कसराइज और पारूपल्ली कश्यप ने। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? पहली महिला प्रमुख तो ये हो जाएगी लारा कॉब। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? नवीन पटनायक। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? देखो, जितना भी लगभग किया जा रहा है वो पूछा ही जाएगा एग्जाम में, क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ की गई? चेन्नई में। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदित्य सामंत, 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम की बात हो रही है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, युगे युगीन भारत, नाम है युगे युगीन भारत, कहाँ बनने वाला है? तो ये होगा नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। ठीक है, 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये था आपका 85वां स्थापना दिवस। ठीक है, 85वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। करगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है, 26 जुलाई को। ठीक है, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की पहल है? यह ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की यह पहल है, मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्कीम्स है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पोर्ट्स को भी लगभग हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है,
उसके बाद मेजर करेंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स को भी हम लोगों ने देखा। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, मेरी माटी मेरा देश का संबंध ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? न्यूनतम आय गारंटी, ठीक है, ये बनाया गया है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने बनाया न्यूनतम आय गारंटी कानून। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के एक गठबंधन को बनाया? तो हम लोग सब जान रहे हैं कौन सा नाम है। खैर, फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो बहुत कम को ही पता होगा, इंडिया गठबंधन, IN.D.I.A, ये गठबंधन का पूरा नाम है, जो पूरे विपक्षी दलों ने, लगभग 28 दल है इसमें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 28 दल है टोटल, 28 पार्टी है इसमें, जो मिलकर IN.DIA गठबंधन बनाया गया है। किसके अगेंस्ट में? NDA गठबंधन, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सामने ये 28 पार्टियों का महागठबंधन बनाया गया है। ये आम चुनावों के लिए, जो 2024 में लोकसभा चुनाव होगी उसके लिए गठबंधन बनाया गया। 28 क्षेत्रीय दल है इसमें, कांग्रेस भी है, इन सभी ने मिलकर बनाया, जिसका नाम है IN.D.I.A, यानी कि इंडिया, ठीक है। किसके अगेंस्ट में? NDA के अगेंस्ट में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अगेंस्ट में, ठीक है। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह है थलपिम प्रदीप, ठीक है, थलपिम प्रदीप को सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बने हैं आपके विराट कोहली। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। इन्वेस्ट इंडिया की नई MD एंड CEO कौन बनी है? कौन बनी है इन्वेस्ट इंडिया की नई MD और CEO? यह निवरूपति राय, ठीक है। ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये है शाहरुख खान। ICC एक दिवसीय क्रिकेट जो अभी होने वाला है वर्ल्ड कप, उसके लिए शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली लीजा फ्रेंचेटी, ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, लीजा फ्रेंचेटी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया जाएगा? किनके द्वारा किया जाएगा नई दिल्ली में ये? तो ये है मनसुख मंडाविया, ठीक है, मनसुख मंडाविया। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फ्रांसीसी सरकार के द्वारा ये सम्मानित किया गया है, और ये है शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम, दोनों को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मिथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? मिथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च करने वाला है चीन, ठीक है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है मालदीव में। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह हो जाएगा आपका जापान, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरुआत की है? गृह लक्ष्मी नामक योजना जो भी चर्चा में भी था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में भी रिसेंटली चुनाव हुए, कांग्रेस का सरकार बना, और उसके बाद यह कहा गया कि गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरुआत किया गया है कर्नाटक में। सीधारमैया की सरकार बनी है, चीफ मिनिस्टर सीधारमैया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ये है आपके राजस्थान, 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है रोड एवं परिवहन मंत्री के द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा। QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मुंबई। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा सन्स। विमंडल 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विमंडल किस खेल से रिलेटेड है? तो ये टेनिस से रिलेटेड है, और महिला एकल का खिताब जीता है मार्केटा वोंडोसोवा ने, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्केटा वोंडोसोवा। 16 जुलाई 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95, ठीक है, 95 मनाया गया है स्थापना दिवस।
आगे बढ़ते हैं। विमंडल 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल की बात हो रही है तो किसने जीता है, ये है आपके कार्लोस अल्काराज। भारत ने किस कार्लोस अल्काराज इसका करेक्ट आंसर होगा। विमंडल 2023 पुरुष एकल, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? कनाडा ओपन का टाइटल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो यह है लक्ष्य सेन, बैडमिंटन खिलाड़ी। तो लक्ष्य सेन, यानी कि कनाडा ओपन किस गेम से रिलेटेड है? तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। और किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया? अभी हम लोगों ने देखा भारत और जापान ने किया था, पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए सेमीकंडक्टर का। भारत और जापान करेक्ट आंसर होगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेंड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? तीसरी ट्रेंड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की जा रही है? तो ये की जा रही है आपके केवड़िया में, ठीक है, केवड़िया में। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगड़ी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता? हंगड़ी में सुपर टूर्नामेंट जीता है आर प्रगनानंदा ने। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगड़ी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो यह आर प्रगनानंदा, ठीक है, जो भी चर्चा में बीते हैं। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? सशक्त महिला ऋण योजना शुरू करने वाला है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश विद द करेक्ट आंसर। तो अभी हम लोगों ने पूरा स्कीम को कंप्लीट कर लिया, स्कीम लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जिस जिस स्टेट का था, सेंटर का था, उसको हम लोगों ने देखा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करेंट अफेयर्स के बने वो हम लोगों ने देखा, और भी कई सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने छुआ यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले वीडियो में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं उन सबको कंप्लीट करने का लक्ष्य है, जिसको आगे वीडियोज में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हम लोगों ने कुल 126 क्वेश्चन देखा, जो कि आपके आगामी परीक्षाएं, इधर आप दरोगा या बीपीएससी या किसी भी स्टेट का एग्जामिनेशन और कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यही स्पीडी आपका हम लोग आगे भी आगामी वीडियोज में भी कंप्लीट करवाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।